आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। आईएएस एसडीएम नवजीवन पवार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर एक दृष्टिहीन बालिका से करवाया झंडा वंदन। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुक्षी में आईएएस एसडीएम नवजीवन पवार ने एक नेत्रहीन बालिका रोशनी से झंडा वंदन करवाकर नवीन भारत उदय का संदेश दिया। इस बारे में एसडीएम पवार ने बताया कि रोशनी तिरंगे को देख नहीं सकती, पर आज उसे हम ये खुशी तो दे सकते हैं कि वो भी उस उत्सव में शामिल हो। साथ ही आगे रोशनी को किसी बड़े नेत्र चिकित्सक को दिखाया जाएगा। कुक्षी के अनुविभागीय कार्यालय और कृषि उपज मंडी कार्यालय में आज कुक्षी के समीप छोटे से गांव बारूड फलिया की नेत्रहीन बालिका रोशनी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गौरतलब है दोनों स्थानों पर एसडीएम नवजीवन पवार को झंडा वंदन करना था, उन्होंने रोशनी से ही झंडा वंदन कराया। हम रोशनी को रोशनी तो नहीं खुशी तो दे सकते हैं। नई दुनिया से चर्चा में आईएएस एसडीएम नवजीवन पवार ने बताया कि मैं विगत दिनों गांव बारूड फलिया के दौरे पर गया था। वहां लोगों की समस्या सुनने के मध्य रोशनी की समस्या ये आई कि उसे विकलांगता का प्रमाण पत्र नहीं मिलने से उसे शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। वहां पर मौके से उससे बात कर सर्टिफिकेट बनवाया गया। उसके बाद उसे बात की तो उसमें देश प्रेम का जज्बा दिखाई दिया, तो हमने उसे 15 अगस्त को झंडा वंदन करवाया। उसे ये खुशी देने का एक प्रयास है। आगे अब उसे एक अच्छे नेत्र चिकित्सक को दिखाया जाएगा, साथ ही उसकी शिक्षा अध्ययन के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। नीसरपुर से राहुल मालवीय की रिपोर्ट।